एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका बेंगलुरु में और स्वागत है आपका कर्नाटका में। आने वाले कुछ दिनों में ये स्टार्ट होने वाला है। जी हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया जाना है 11 मार्च को, और आज इसी एक्सप्रेसवे का काम मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वैसे तो ये जो पूरा एक्सप्रेसवे है ये है 119 किलोमीटर लंबा और ये बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। एक्सेस कंट्रोल ये एक्सप्रेसवे है और ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड का मिक्सचर है ये। 8,000 करोड़ की लागत से ये बना है और इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद बेंगलुरु से मैसूरू तक का जो सफ़र है वो आप 1.5 घंटे में कर सकते हैं। जी हाँ, पहले इसी को तय करने में 4 घंटे लगते थे। आप इसके बन जाने के बाद आप कुर्ग और ऊटी भी बहुत ही कम वक्त में जा सकते हैं। ये एक्सप्रेसवे 6 लेन और 10 लेन का बनाया गया है। 6 लेन एक मेन कैरेज वे जो होने वाला है वो 3 लेन इस साइड आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर सर्विस रोड भी दिया गया है जो कि 2 लेन का है और इस एक्सप्रेसवे को बनाया गया है 8,000 करोड़ की लागत से। बनवाया है इसे NHAI ने और बनाया है इसे दिलीप बिल्डकॉम ने। इस 119 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पे 19 लार्जर ब्रिज बनाए गए हैं, 44 स्मॉल ब्रिज बनाए गए हैं, 4 रेलवे ओवर ब्रिज यानी कि ROV का निर्माण किया गया है और 50 अंडरपास बनाए गए हैं व्हीकल मूवमेंट के लिए। इस एक्सप्रेसवे को आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट करने वाले हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और उसी की तैयारी अगर आप देखोगे तो की भी जा रही है इस जगह पर। वैसे इस एक्सप्रेसवे पे अगर आप आते हैं तो इस वक्त आपको नजारा बहुत ही कमाल का देखने को मिलेगा। एक्सप्रेसवे पे स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटे का रहने वाला है। इस एक्सप्रेस पे और आपको क्या कुछ देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ पर वेस्ट साइड एमिनिटीज भी मिलेगा जैसा कि अब NHAI हर एक्सप्रेस पे लेके आ रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे भी आपने देखा है जहाँ पर आपको होटल मोटल से लेकर वॉशरूम तक की फैसिलिटी मिलेगी और साथ ही साथ मेडिकल इमरजेंसी के लिए हेलीपैड्स भी बनाए गए हैं एक्सप्रेस वे के ठीक ऊपर। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं इस जगह पर बनाया गया है हेलीपैड। और सच बताऊं इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद इंडियन रेलवे पे भी बहुत कम लोड पड़ने वाला है क्योंकि यार ट्रेन से कोई ट्रेवल करना चाहेगा नहीं, इसलिए क्योंकि एक्सप्रेसवे की मदद से ही आप बहुत ही कम वक्त में ट्रेवल कर सकते हैं। और अगर आपके पास गाड़ी नहीं भी है तो भी आप ये जो लग्जरी बसेस देख रहे हो जो कि ऑलरेडी यहाँ पर उनकी सर्विसेज स्टार्ट हो चुकी है, उनके माध्यम से भी आप इन दोनों सिटी को आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। और आई एम श्योर कोई एयरलाइंस को तो यूज़ नहीं करने वाला क्योंकि जितना टाइम आप चेकिंग में दोगे उससे पहले तो आप इसके माध्यम से एक सिटी से दूसरी सिटी जा सकते हैं और यही करता है एक एक्सप्रेस वे और वही आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। वैसे अभी एक्सप्रेस वे स्टार्ट नहीं हुआ है इसी वजह से आपको इस पर टू व्हीलर का भी मूवमेंट देखने को मिलता है, लेकिन जब ये एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो जाएगा तो पूरी तरीके से एक्सेस कंट्रोल है, फिर आपको इस पर टू व्हीलर का मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। मतलब ये है कि जितने भी स्लो मूविंग व्हीकल है वो इस एक्सप्रेस वे पर अलाउड नहीं है, तो स्लो मूविंग व्हीकल तो आपको नहीं देखने को मिलेंगे जैसे कि ऑटो, बाइक्स या फिर बैलगाड़ी। तो ये था अपडेट बेंगलुरु मैसूरु एक्सप्रेसवे का। इस वीडियो को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को मोटिवेट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और हाँ सच बताऊं तो नज़ारा बड़ा ही कमाल का है सनसेट का, ये देखो।